हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं अरबी के पत्ते की पकौड़ी। अरबी के पत्ते की पकौड़ी कैसे बनाते हैं, यहाँ मैंने कुछ बेसन ले लिए हैं दोस्तों, और फिर मैंने यहाँ अरबी के पत्तों को काट के रख लिया है, धुल लिया है, धुल के उसको काट दिया है अरबी पत्ते को। फिर यहाँ मैंने लिया है 4-5 हरी मिर्च, एक टुकड़ा अदरक और कुछ लहसुन की कलियाँ, और फिर जीरा और काली मिर्च, इन सबको एक साथ मैं पहले ग्राइंडर में पीस लेती हूँ दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों मैंने इसको थोड़ा दरबरा पीस लिया है, अभी हमारा पीस चुका है। अब चलिए मैं इसको इसमें मिलाती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको इसमें डाल दे रही हूँ। फिर मैं डालूँगी दोस्तों इसमें 1/4 स्पून लाल मिर्च, फिर इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला। फिर इन सबको दोस्तों एक साथ एक अरुई के पत्ते को डाल के एक साथ इसमें मैं मिक्स कर दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। इन सबको दोस्तों एक साथ आप मिक्स कर लीजिए। नमक मैं लास्ट में ऐड करूँगी और इसमें लास्ट में डालूँगी दोस्तों 2 नींबू के रस। नींबू के रस बहुत ही ज़रूरी है, आपके पास अगर नींबू के रस नहीं है तो आप इसमें खटाई डाल दीजिए, नहीं तो आमचूर पाउडर डाल दीजिए, कुछ भी खट्टा आप इसमें ज़रूर डालिए। तो इन सबको पहले मैं मिक्स कर दे रही हूँ। तो यहाँ दोस्तों अभी देखिए कि कितना हमारा एक कम हो चुका है, बेसन और अरबी का पत्ता सब मिक्स करके हमने रख दिया है। अब आप जैसा देख ही सकते हैं कि हमारा कितना ज़्यादा क्वांटिटी में लग रहा था, अभी कितना कम क्वांटिटी में लग रहा है दोस्तों। तो ये अब हमारा मिक्स हो चुका है। तो दोस्तों अब मैं लास्ट में इसमें डालूँगी नमक और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और कुरकुरी एकदम अरबी के पत्ते की पकौड़ी होती है दोस्तों। अब यहाँ मैंने पहले से ही तेल गरम होने के लिए रख दिया है, तेल मेरा गरम हो चुका है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है आपको। और इसमें आप पकौड़ियों को डाल दीजिए फ्राई होने के लिए। धीरे धीरे एक एक करके इसमें आप जितना डाल सकें उतना आप डाल दीजिए दोस्तों। यहाँ मैंने पकौड़ियों को डाल दिया है, अब इसको मैं फ्राई कर ले रही हूँ। बहुत ही दोस्तों ये बहुत ही झटपट बनने वाला, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कुरकुरी पकौड़ी होती है। अगर आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और जब भी बनाइएगा तो इसमें कुछ ना कुछ खट्टा ज़रूर डाल दीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ हमारी पकौड़ी बन के तैयार है। तो चलिए अब हम अपने गैस को फ्लेम को बंद कर दें। अब इसको हम टिश्यू पेपर पे निकाल ले रहे हैं, एक प्लेट पर टिश्यू पेपर को रख लिए हैं और मैं इसको अब निकाल ले रही हूँ फ्रेंड्स। अभी दोस्तों हमने अपने सारी पकौड़ियों को निकाल दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पे, किसी और नए वीडियो पे। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय।